अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सादिया इरफान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हो रहा है दोपहर का टाइम और आयशा आ गई हैं स्कूल से। अफ़ान भी पहले से आ चुके हैं। आयशा की तबीयत अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, लेकिन इनका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है स्कूल से आते आते, क्योंकि आपको पता है बच्चे इतना थक जाते हैं। सुबह 7 बजे की जाती हैं और ये दोपहर 2 बजे के भी बाद वापस आती हैं। उसके बाद फिर इनको खाना वाना खिला के मैंने मदरसे भेज दिया था। और आपको पता है सब्जियों का मौसम आ गया है और सर्दियां आती हैं, तो ताज़ी ताज़ी प्यारी प्यारी ग्रीन ग्रीन सब्जियां आ जाती हैं। तो आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मिक्स सब्ज़ी की, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है और मुझे सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद है। हर सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है और ये वाली सब्ज़ी मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत शौक से खाते हैं और साथ साथ हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर चले गए थे और सब्ज़ी ले ली थी मैंने, गाजर मटर आलू और फूल गोभी। ये बनाऊंगी मैं आज मिक्स सब्ज़ी, टमाटर वाली बनाऊंगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ेदार है। उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे मदरसे से और मैं उनको ट्यूशन का स्टडी करवा रही थी। यहाँ पर अफ़ान बहुत रो रहे थे क्योंकि उनको सबक याद नहीं हो रहा था उनका, और ट्यूशन वाली टीचर जो है ना वो सबक अपना अलग से पढ़ाती हैं और अपना अलग से याद भी करने के लिए देती हैं, जो कि मैं घर में इनको याद करवाती हूँ, उनका होमवर्क करवाती हूँ, फिर स्कूल का जो है वो स्कूल में इसका होमवर्क भी मैं रात में इनको कंप्लीट करवा देती हूँ। बहरहाल यहाँ पर अफ़ान को मैंने चुप करा दिया था और पटा कर मैं इनको ट्यूशन छोड़ कर आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। बच्चे जब ट्यूशन चले जाते हैं मैं उसके बाद खाना बनाना शुरू करती हूँ रात के लिए। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को कट कर लिया था और आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश और कितनी प्यारी लग रही हैं। आजकल सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में जो नई नई सब्जियाँ आती हैं, जैसे मटर आते हैं और गाजरें आती हैं, तो इसका कलर इतना खूबसूरत लगता है और वाकई में दिल चाहता है कि पका के खाई जाए। कौन कौन मिक्स सब्जी पसंद करता है और इस तरह की खिली खिली प्यारी प्यारी सब्जी कौन कौन शौक से खाता है रोटी के साथ? और ये मैं ना फूल गोभी को बारीक नहीं करती, कुछ लोग इसको बिल्कुल छोटा छोटा काट लेते हैं जो कि बिल्कुल घुल जाती है। मुझे घुली हुई सब्जी अच्छी नहीं लगती, बल्कि मैं इसके एज इट इज़ फूल तोड़ लेती हूँ, जैसे कि इसके फूल होते हैं ना वो अलग अलग कर लेती हूँ। साथ में मैंने टमाटर चॉप कर लिए हैं, तकरीबन 3 से 4 बड़े टमाटर रहे हैं जिसके अच्छा सा जो है ना मसाला बनेगा। और उसके साथ साथ मैंने लहसुन अच्छे से चॉप कर लिया है जिसको मैं भगार के तौर पे यूज़ करूँगी। तो बस बिल्कुल ईजी रेसिपी है। सबसे पहले आपको ले लेना है एक बर्तन, उसमें आप ऑयल डालें, उसमें ज़ीरा डालें और उसके बाद आप उसमें लहसुन डाल दें। लहसुन को इतना फ्राई करें कि उसका कलर गोल्डन हो जाए। यकीन करें इससे, अगर आप लहसुन को स्किप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे ना लहसुन इसमें चॉप करके, फ्रेश लहसुन डालें चॉप करके, इतना अच्छा एरोमा आएगा, इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, यकीन करें। कोई भी सब्जी पकाएं आप, उसमें अगर लहसुन का भगार दें, जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं डालें लेकिन लहसुन का भगार देंगे, तो उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी के साथ, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। फ्रेश सब्जियां हो सर्दियों की और फ्रेश फ्रेश आप इसमें लहसुन का भगार दें, और अगर ग्रीन लहसुन होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसको गोल्डन कर लिया है, जलाना नहीं है इसको। उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर लेने हैं। टमाटरों को बस इतना पकाना है कि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि इसको हमें बिल्कुल चटनी नहीं बनाना, इसका पेस्ट ऐसा जैसा बिल्कुल गला नहीं लेना पानी डाल के, बस इसको थोड़ा सा ना नरम कर लें आप। और उसके बाद इसमें स्पाइसेस डाल लें। मैं ये टिप दूंगी कि आप सब्जियों में ना जितना कम हो सके मसाले डालें, जितने कम मसाले होंगे उतना ज़्यादा सब्जियों का अपना फ्लेवर इन्हेंस होकर आएगा और उतनी ही सब्जियाँ अच्छी बनेंगी। पानी नहीं डालें तो सब्जियों में, और मसाले बहुत कम डालें, मिर्च मसाले कम से कम रखें। इसमें मैंने बस नमक, कुटी हुई मिर्चें और हल्दी डाली है बस, और कुछ भी नहीं डालें आप इसमें। कोई गरम मसाला ऐड नहीं करें, कोई साबुत मसाले ऐड नहीं करें, बिल्कुल सिंपल रखें मसाला सब्जियों को। उस जब तक उनके अपना फ्लेवर निकल के आएगा ना तो सब्जियां बहुत अच्छी लगेंगी, और आप उसमें बहुत सारे मसाले ऐड कर देंगी, पानी डाल देंगी, तो वो सारे उनके जो एक तो न्यूट्रिशन भी ख़त्म होते हैं सब्जियों के, और साथ साथ उसका फ्लेवर भी ख़त्म हो जाता है और वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। सबसे पहले चीज़ आपको आंखों के अच्छी लगनी चाहिए, उसके बाद ही आपको खाने का दिल चाहेगा। तो बस यहाँ पर खाने के लिए मैं टमाटरों को और मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें सब्जियां ऐड करूंगी। आपकी मर्जी, आप कोई सी भी सब्जी स्किप कर सकते हैं, कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मेथी नहीं थी मेरे पास, लेकिन अगर आप ग्रीन मेथी इसमें ऐड करेंगी तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बैंगन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, इसमें बैंगन नहीं डालें। अगर बैंगन डालेंगी ना तो ये बिल्कुल घुटी मिली सी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि बैंगन बनने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो इसकी वजह से ना ये सारी सब्जियाँ एक जैसी हो जाएंगी, ये खिली खिली नहीं बनेंगी। अगर आपको ऐसी सब्जियाँ चाहिए तो ऐसी सब्जियाँ
चीज़ें डालें जो कि घुले ना, जैसे कि बैंगन महन नहीं डालें इसमें, टिंडे नहीं डालें इसमें, बाकी ऐसी सब्जियां जो खड़ी खड़ी रहें वो डालें इसमें। इसमें आप जो है ना बंद गोभी भी डाल सकती हैं, इसमें आप पालक भी डाल सकती हैं, इसमें आप मेथी भी डाल सकती हैं और शिमला मिर्च भी डाल सकती हैं इसमें, वो भी अच्छा फ्लेवर देती है। लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बस इसमें मेथी की कमी है, बाकी बिल्कुल एज इट इज़ बनाती हूँ। और रोटी से खाएं, गरम गरम रोटी बनाएं, घी लगी हुई और मक्खन लगी हुई गरम गरम रोटी बच्चों को दें, कैसे नहीं खाएंगे, ज़रूर खाएंगे, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन अगर गरम गरम और ताज़ी सब्ज़ी बनी हुई हो और गरम गरम रोटी लगी हुई हो घी वाली, तो बस उसके साथ साथ मैंने ये पकने के लिए रख दिया है। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, सब्जियां डाल देनी है और ढक के रख देना है मीडियम आंच पे। अपना पानी छोड़ेंगी, अपने पानी में गलेंगी और उसको अच्छे से भून के चूल्हापन कर देंगे, बिल्कुल ईजी रेसिपी है। उसके साथ साथ मैं आटा गूंद रही हूँ यहाँ पर, आटा मेरा थोड़ा सा रह गया था फ्रिज में तो मैंने कहा जल्दी से गूंद लेते हैं, साथ में मैंने शाम के लिए चाय भी रख दी है। अच्छा, मेरा ये रूटीन है कि मैं शाम में जो सालन होता है ना वो चढ़ा के फिर शाम की चाय बनाती हूँ, सुकून से चाय पीते हैं, आटा गूंद के फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना उसके बाद फिर मैं गरम गरम रोटियाँ बनाती हूँ और फिर बच्चे हम सब रात का डिनर करते हैं, गरम गरम रोटी खाते हैं। बच्चों को आदत है, मुझे भी आदत है, ठंडी रोटी खाई नहीं जाती। और बीच में जब गैस की लोड शेडिंग हो रही थी ना तो इतना मसला हो रहा था कि पका के रख रही थी तो रोटी ठंडी हो जाती थी, कोई भी नहीं खाता था। तो बस यहाँ पर आटा गूंद लिया है, फ्रिज में रख दूंगी कंटेनर में और अच्छे से सेट हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर रात में रोटी बनाऊंगी। एक रोटी मैंने बना ली थी क्योंकि अजान को भूख लग रही थी, उन्होंने दोपहर में लंच नहीं किया था तो मैंने कहा था चलो तुम चाय के साथ ना थोड़ा सा खाना भी खा लो फिर रात में हमारे साथ दोबारा खा लेना। तो एक रोटी मैंने बनाई थी जिससे हमने थोड़ा थोड़ा सबने चख लिया था, सब्जी भी चख ली थी और चाय भी बन गई थी यहाँ पर साथ में। आखिर में मैंने इसमें मलीर वाली बारीक वाली मिर्चें डाली हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको मोटी वाली डालनी है तो वो डाल सकते हैं लेकिन हम मुझे ये ज़्यादा पसंद है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैंने मिर्चें ना कम रखी हैं सालन में, सब्जियों में आप मिर्च मसाले कम रखें और साबुत मिर्चें डाल दें। अगर आपको मिर्चें कम लग रही तो आप ये तोड़ के खा सकते हैं, साथ मिला के खा सकते हैं, उससे स्पाइसीनेस भी आ जाएगी और सब्जियों में ज़्यादा मिर्च मसाले भी ऐड नहीं होंगे। तो ये है हमारा फाइनल लुक सब्जी का, कैसे लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी से लाइक को बटन को प्रेस कर दें। तो बस उसके बाद मैंने सालन का चूल्हा बंद कर दिया था, सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई थी, फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दिया है। कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, घर में ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी है मुझे ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पर मेरी शाम की चाय बन गई है, चाय निकालूंगी। एक रोटी मैंने बना ली थी अजान के लिए और इस पर घी लगा दिया था मैंने, साथ में मैंने सब्जी निकाली थी और चाय भी बन गई थी। यहाँ पर बिस्किट वगैरह मंगाए, बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से, उनके लिए पापे वगैरह रखे हुए थे और साथ साथ मैं शाम की अपनी चाय एंजॉय कर रही थी और अपने फेवरेट व्लॉगर्स के व्लॉग्स देख रही थी। तो ये व्लॉग किसका है कल का ये मुझे ज़रूर बताइएगा, जो जो इनके भी व्यूवर्स हैं वो मुझे ज़रूर पहचान लेंगे वो ये कि किसका व्लॉग देख रही हूँ मैं। तो ये मेरी फेवरेट यूट्यूबर हैं और इसके साथ साथ मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। फिर रात में खाना वाना खाकर हम चले गए थे इन लॉज के यहाँ, वहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि हस्बैंड लेट आए थे रात को और ये बच्चे जो है ना बास्केट बना के, पेपर बास्केट बना के खेल रहे थे। फिर मैं यहाँ पर इनके मेरे हस्बैंड के कज़न आए हुए थे, वो हज पर से आए तो वहाँ पर हज की बातें कर रहे थे और हम सुनते जा रहे थे और मदीने की मक्के की बातें तो दिल ही नहीं चाहता कि सुनना बंद करें और सुनते जा रहे थे और बस मज़ा आ रहा था। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी मुमकिन बनाए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा ख्याल और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है आपको। अल्लाह हाफिज़।